प्रकृति के तीन कड़वे सत्य जो आपके जीवन के लिए बहुत शुभ हैं। अगर आप इन नियमों को पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मक विकास होगा, आपके जीवन में हमेशा उन्नति होगा और आप सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर आप इन नियमों को पालन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके जीवन के लिए दुखदायी और घातक सिद्ध हो सकता है। यह आपके जीवन में नकारात्मकता और गरीबी बढ़ा सकता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसके आसपास खेत में घास फूस उगा देती है, उस जमीन में घास फूस भर देती है। ठीक उसी प्रकार दिमाग में अगर सकारात्मक विचार ना भरा जाए, दिमाग का सही उपयोग ना किया जाए, दिमाग का सही उपयोग करके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम ना किया जाए तो यह नकारात्मक विचारों से भर जाता है, गलत आदतों से भर जाता है, गलत संगतियों से भर जाता है जो जीवन के लिए हानिकारक होता है। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वही बांटता है। अगर इंसान के पास खुशी है तो निश्चित तौर पर वह खुश बांटेगा, दुखी है तो दुखी व्यक्ति हमेशा अपना दुख बांटता है, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान बांटता है, भ्रमित व्यक्ति हमेशा अपना भ्रम बांटता है और भयभीत व्यक्ति के साथ अगर आपकी दोस्ती हो गई तो वह केवल भय ही बांटता रहता है। प्रकृति का तीसरा नियम, जो आपको जीवन में मिलने वाले चीज़ों को पहचानने या पचाने की सीख देती है। जैसे भोजन ना पचे तो रोग बढ़ जाते हैं, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ जाता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ जाती है और प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ जाता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ जाती है, राज ना पचे तो खतरा बढ़ जाता है और दुख ना पचे तो निराशा और नकारात्मक विचार बढ़ जाते हैं, सुख ना पचे तो पाप बढ़ जाता है। यही जीवन का सत्य है जो अगर आप अपने जीवन में सही तरीके से उपयोग करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक फल आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं तो इसका नकारात्मक फल भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। पूरा दुनिया इसी दुख और दर्द के पीछे दौड़ रही है, बेफालतू के दिखावे और बेफालतू के पैसे खर्च करने के तरीके अपने दुख और सुख को दिखावटी के जीवन से जी रही है, जिसके कारण आज दुनिया में गरीबी, परेशानी और समस्याएं बढ़ गई हैं, व्यक्ति अकेला हो गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।